जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा पेचीदा है। आप सुन करके आपको लगेगा, बड़ा अचंभा लगेगा, क्या ऐसा भी होता है, यानी स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो उसके चक्कर में मेजर साहब का कोर्ट मार्शल, सेवा से बर्खास्त, वो भी चोरी। हाँ जी, चोरी किया। कैसे किया, किसकी चोरी किया, ये आपको सुनकर के और अजीब लगेगा कि बिल्कुल हाँ, लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पर भी हों। ऐसे उदाहरण आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, भले कोई अपनी कहीं दुहाई देता हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आपको इक्के दुक्के ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। आज बात करूंगा मैं, ये बात है जलंधर स्टेशन की। वहां पर एक सेना के मेजर साहब का टैबलेट यानी स्मार्टफोन से बड़ा होता है, वो हो गया चोरी, और उस चोरी की शिकायत वो जलंधर थाने में जाकर के एफआईआर डलवाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो जो टैबलेट है, जो फोन है, एक दुकान पे मिल जाता है। अब कहानी में आता है स्पष्ट, दुकान पे मिल जाता है, लेकिन पुलिस ने वो बरामद करके फौज को दे दिया, लेकिन फौज को यह तसल्ली नहीं हुई कि इसमें बहुत सारे सीक्रेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेगा जवान, और बहुत कई जवानों को सजा मिली है, शायद अफसर को भी कभी खवा मिली हो, लेकिन अभी मैं आपको अफसर की सजा बताता हूं किस तरह मिलती है। कोई बात नहीं, फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए, और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैंड हुई अमृतसर में, जलंधर में नहीं, वहां के आर्मर के ब्रिगेड कमांडर, वहां के प्रिजाइडिंग अफसर और एमी बटालियन के जो सीओ साहब हैं उसके मेंबर, और दूसरा जब उसकी तहकीकात हुई तो दुकानदार का जो इन्वेस्टिगेशन पाया गया, फौज ने देखा, सीएमपी ने देखा, तो वहां पर एक सेना के बंदे ने बिक्री किया। अब वो बंदा कौन है, जब बंदे की जब खोजबीन हुई तो वो एक सेना का, उसके मेजर का ही साथी एक मेजर पकड़ा गया, उसने आनाकानी की, जब वो बेचा तब वो अपने आप को छुट्टी पे भी साबित किया, हैंड राइटिंग मिलाई, उसने बहुत सारी कोशिश की, और जब कोर्ट अनुकारी तो जनरल कोर्ट मार्शल बैठा और उसे सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। और उस पर कौन सा एक्ट लगाया, कौन सा एक्ट लगता है, हम बात करते हैं, आर्मी रूल सेक्शन 52A, सरकारी संपत्ति की चोरी या दुरुपयोग, या आप किसी प्रकार की थेफ्ट या चोरी करते हो किसी साथी की, तो उसमें धारा 52A के तहत उसको सेना से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा, यानी उसका जनरल का कोर्ट मार्शल, एस समरी कोर्ट मार्शल नहीं, जनरल, यहां से बिल्कुल जाएगा, और सिविल में भी उसको जेल के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये होता है लालच, चाहे आप किसी भी पद पर हो, लालच इंसान की फितरत में रहता है, कौन कितना समय पर कंट्रोल कर ले ये बात देखने वाती है। कितनी भी एडवाइजरी, कितने भी सारी चीजें, जवानों के कितने भी स्मार्टफोन पकड़े गए, किसी ने फेंके गए, किसी ने तोड़े गए, किसी को सजा मिली, और बहुत सारा मामला इस पर चलता रहा प्राइवेसी का, लेकिन ऐसे अपराध से चाहे आप जवान हैं, चाहे आप जेसी हो, चाहे अधिकारी, आप इससे बच नहीं सकते। ये है एक एग्जाम्पल और सबक जो इससे सीखने की जरूरत है, इन सब चीजों से रहना होगा।